हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, इस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठंडक भी है, धूप भी निकलती है और पौधों को भरपूर धूप से पोषण भी मिल जाता है। तो आज चलिए हम आप लोगों को इंडोर प्लांट दिखा चुके, फ्रंट गार्डन दिखा चुके, बैक गार्डन दिखा चुके, अब चलते हैं अपने एलोवेरा की खेती की तरफ। कि एलोवेरा हमारे कहाँ लगा है उसको दिखाते हैं। जो रोज़ हम आप लोगों को फर्टिलाइजर में प्रयोग करके एलोवेरा दिखाते हैं उसको दिखाएंगे कि देखिए वो कहाँ लगा है और कैसी ग्रोथ है उसकी। तो आइए चलते हैं हमारे ज़मीनी गार्डन में, आइए। दोस्तों ये देखिए, हमने तापने के लिए लकड़ियाँ भी रख ली है। ये देखिए हमारे ये एलोवेरा के पौधे हैं, इनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा पानी। ये देखिए छोटे छोटे पॉप्स भी मार दूंगी, आप लोग देख लीजिए कितने सारे पौधे हैं हमारे। एक एक पत्ती की लंबाई देखिए, ये पौधा देखिए कितना हेल्दी और बढ़िया, सारे पौधे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, ये इन सदाबहार के पेड़ लगा है इसके बगल से। ये देखिए एक एक पत्ती की लंबाई देखिए, देखिए इसी एलोवेरा के पास में मैंने अपने चंपा के पेड़ से कटिंग करके मैंने तीन पेड़ चंपा के तैयार किए हैं। तीनों की ग्रोथ देखिए, एक भी कटिंग मिस नहीं हुई। इस एलोवेरा की पत्ती को देखिए आप जरा कितनी बढ़िया है, और देखिए इस पेड़ में फ्लावरिंग भी होने वाली है शायद एलोवेरा की। वाह बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा ये गार्डन, हरियाली ही हरियाली है, एक भी पत्ती सूखी नहीं है हमारे एलोवेरा की। यही सब मैं अपने पौधों को खिलाती पिलाती रहती हूँ, महीने में तीन चार पत्तियाँ तो ज़रूर ही पौधों में पीस करके, कूट करके, काट करके, जैसे भी संभव होता है वैसे मैं अपने पौधों को देती रहती हूँ। पहले मैं भी खाती थी लेकिन अब मैंने खाना छोड़ दिया, अब मैंने पौधों को खिलाना शुरू कर दिया है। साथ में देखिए मेरा पपीता भी लगा हुआ है, और ये कनेर का पौधा है, अभी मेरे फ्रंट गार्डन में भी बहुत बड़ा पौधा है, उसी की कटिंग से मैंने एक ब्रांच लगा दी थी तो बहुत बड़ा पौधा हो गया। पूरी कटिंग कर दी थी फिर ये हरा भरा हो गया, और इसको हमको निकाल करके यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्यारी तैयार करनी है। क्यारी तैयार करनी है, बाकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें भी होती है। इसमें एक ब्रांच वाइट कनेर की है और एक पिंक कनेर की है, और इसमें भी बहुत गजब की फ्लावरिंग होती है। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चल करके कि क्या क्या मैंने लगा रखा है, क्या क्या हो रहा है। ऊपर ले एक हमारा ये पौधा मीठी नीम का इधर भी लगा हुआ है, और एक उधर गार्डन में लगा हुआ है, दोनों पौधे बराबर के हैं। आ गए हम अपने इस गार्डन में, ये देखिए यहाँ मैंने छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी है। देखिए ये मिर्चा कितना फ्लावरिंग कर रहा है, एक बार इससे मिर्चे तोड़कर खाए जा चुके हैं, अब दोबारा देखिए इसमें क्या बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। कहीं मैंने किचन से ला करके छोटे छोटे प्याज लगा दिए, ये देखिए स्प्रिंग अनियन तैयार हो रहे हैं। ये देखिए दूसरा पौधा ये है, तीसरा ये है छोटी छोटी, ये देखिए लहसुन भी है तैयार हो रहे हैं चटनी के लिए, और इसी में धनिया पालक भी लगी हुई है। और ये देखिए एक ब्रांच मैंने गेंदे के तोड़ करके इधर लगाती थी, कैसी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, जहाँ कहीं देखो कहीं फूल कहीं पौधे। ये देखिए हमारे पपीते हैं, पपीते में भी पपीते लगे हुए हैं। ये गोल वाले मिर्चे थी, इनकी आज मैंने हार्वेस्टिंग की है, फिर भी इक्का दुक्का छूट गए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये मिर्चे देखने में, खाने में तो बहुत ही तेज होते हैं ये मिर्चे। दो चार पौधे दोस्तों हाँ मना ही भूल गई थी आप लोगों को, ये देखिए मैंने सौंफ के पौधे लगाए हैं, ये देखिए अब
अब इसमें सौंफ लगती है कि नहीं लगती है, दो पौधे मैंने सौंफ के लगाए हैं, ये देखिए इधर और ये इधर, सौंफ सौंफ में लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें होती है कि नहीं होती है सौंफ। इधर भी एक गोल मिर्ची का है, ये भी देखिए पपीते लग रहे हैं। चाहे कच्चे खाओ पक्के खाओ, और तो बहुत बड़ा पेड़ है हमारे पास पपीते का, बहुत ही ज़्यादा उसमें। ठीक है दोस्तों, ये मेरा गार्डन जो है, पीछे कुछ मैंने ठंडक के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके रखी हैं जो हमारे गार्डन से ही निकलती हैं, उसको एक किनारे लगाती रहती हूँ। जिनकी पत्तियाँ सड़ गल जाती हैं उनको मैं गमले में भर देती हूँ, और लकड़ियाँ जो हैं ठंडक में मैंने तापने के लिए इकट्ठा करके रखी हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा कैसा लगा ये गार्डन, कभी कभी मैं अपने बैक साइड वाले गार्डन की भी आप लोगों को सैर करा देती हूँ, क्योंकि ये गार्डन बनाने में मेहनत बहुत लगती है। एक वर्किंग वूमेन को घर का काम देखना, ड्यूटी करना, उसके बाद में ये गार्डन को संभालना भारी काम रहता है, और घर वालों की नाराज़गी झेलना सबसे बड़ा काम रहता है। इन सबसे जूझते हुए मैंने इतना बड़ा गार्डन बना रखा है, तो इसमें मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।